हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 7 चैप्टर 8। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था। सो नेक्स्ट आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। मीन्स वार्म एयर जो होता है वो हल्का होता है इन कंपेरिजन टू कोल्ड एयर। तो पिछले क्लास में हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें क्या था कि एयर को जब हम एक बॉटल में बलून सेट करके उसको हीट करते हैं तो वो बलून क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फूल जाता है ना, ब्लो अप करता है। और एक नॉर्मल बॉटल में अगर बलून को हम सेट करके रखते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। मीन्स ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि जब हम एयर को, एयर हीट होता है मीन्स वार्म एयर, वो क्या होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर राइज होता है बिकॉज ऑफ देयर वेट इज लाइट। वो क्या होता है हल्का हो जाता है जैसे जैसे गर्म होता है और ऊपर की ओर राइज अप होता है ना। तो जैसे और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे हम लोग चपाती बनाते हैं, है ना। तो चपाती जब हम लोग उसको कुक करके जब डायरेक्ट फ्लेम में रखते हैं तो वो क्या होता है, फूलता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब एयर गर्म होता है, वार्म होता है, तो वो एयर ऊपर की ओर राइज होता है जिससे चपाती फूल जाती है। फिर और भी है, बहुत सारे रीज़न है, जैसे कैंडल फ्लेम है, कैंडल फ्लेम जब बर्न होता है तो उसका स्मोक ऊपर की ओर, जो धुआं निकलता है वो ऊपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी लाइटर हो जाता है, क्योंकि जब वार्म, जब कैंडल ऑब्वियसली जब बर्न होता है तो उससे गर्म एयर निकलेगा एंड गर्म एंड हॉट एयर इज राइजेज अप बिकॉज इट इज़ लाइटर। सो फ्यू ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट वार्म एयर इज लाइटर दैन कोल्ड एयर। तो इसमें अब जैसे इस वार्म एयर एंड कोल्ड एयर के कारण कुछ एटमॉस्फेयर में कंडीशन क्रिएट होता है जिसको हम लो प्रेशर हाई प्रेशर कहते हैं। तो अब वो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कैसे होता है? सो व्हेन वार्म एयर राइजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। मीन्स सपोज करो जब अर्थ के सरफेस से, सपोज दिस इज अ अर्थ, है ना, और अर्थ के सरफेस में जब बहुत अधिक अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो इससे जो एयर है वार्म होके ऊपर की ओर राइज होता है, ठीक है। और जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का कंडीशन बनाता है, लो प्रेशर एरिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लो प्रेशर एरिया। तो वार्म एयर के कारण जो प्रेशर का कंडीशन है वो कैसा बनता है, लो प्रेशर एरिया। फिर जब ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है फिर ऊपर का एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है, कूल होता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, फिर जो एयर है वो कोल्ड होने लगता है। कोल्ड होने के कारण सो ऊपर जो है एयर कंडेंस होने लगता है एंड दैट एरिया इज हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो दिस इज हाई प्रेशर एरिया। फिर क्या होता है कि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो मेन यहाँ फैक्ट है कि जो लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया कब बनता है, जब कोई भी एटमॉस्फेयर या कोई भी सरफेस जहाँ से, जहाँ एयर वार्म हो रहा है वहाँ से एयर राइज अप होगा, और राइज अप होने का मतलब है कि उस एरिया का जो प्रेशर है वो लो होगा, और फिर जैसे जैसे एयर ठंडा होगा, कूल होगा, वहाँ का प्रेशर हाई होगा। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ओके। सो इन्हीं, इस रीजन के कारण, ये हाई एंड लो प्रेशर के कारण ही क्या होता है, विंड करंट फ्लो करता है, विंड करंट जनरेट होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ विंड करंट, मीन एक्चुअली व्हाट इज द फैक्ट अबाउट द जनरेशन ऑफ विंड करंट, मीन्स विंड करंट किस तरह से एक्चुअली प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो मेनली देयर आर टू रीजन। फर्स्ट इज अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स। यू नो वेरी वेल व्हाट इज इक्वेटर, व्हाट इज पोल। जो अर्थ का ग्लोब है, जो हम लोग अर्थ का एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके जो हॉरिजॉन्टल ये मिड वाला लाइन होता है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, एंड जो नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो होता है उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं ना। दिस इज पोल एंड दिस इज इक्वेटर, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट रीजन क्या है विंड करंट जनरेट होने का, अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल। मीन्स इक्वेटर एंड पोल में अनइवन मीन्स कहीं गर्म हो रहा है कहीं ठंडा हो रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एरिया फॉर्मेशन होता है, जिससे विंड ब्लो करता है, हाई स्पीड विंड, लो स्पीड विंड, जिससे विंड करंट फ्लो होता है, ठीक है।
सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स. सो द रीजन अराउंड द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू आउट द ईयर. ये जो इक्वेटर रीजन है यहाँ पे सबसे अधिक हीट एब्जॉर्ब होता है. क्यों? क्योंकि पूरे साल जो है सन का लाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए ये एरिया है जो है वो ज़्यादा गर्म होता है. द एयर इन दिस रीजन गेट्स हीटेड अप. दिस वार्म एयर राइजेज अप एंड कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग टू 0 to 30 degree लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर रसेस टूवर्ड्स द इक्वेटर. मीन्स ये जो 0 to 30 degree आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, ये जैसे यहाँ पर 0 है, फिर 30 है, फिर 60 है, फिर 90, पोल पे 90 हो जाता है. तो क्या होता है, जैसे जैसे ये सरफेस इक्वेटर का गर्म होता जाता है तो 0 से ऊपर की ओर वार्म एयर राइज होता है ना. उसके बाद फिर क्या होता है, एट 60 degree ये जो पोल की तरफ है वो 60 degree है ना, 60 degree लैटिट्यूड द एयर इज वार्मर देन एट द पोल. पोल से पोल के कंपेरिजन में जो 60 degree पे वहाँ का एयर ज़्यादा गर्म है. पोल पे तो बिल्कुल ही ठंडा एयर है. तो क्या होता है, हियर ऑल्सो द वार्म एयर राइजेज एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन रसेस टू टेक दैट प्लेस. मीन्स ऊपर से जो कोल्ड एयर नीचे आ रहा है ना, और नीचे से वार्म एयर पोल की तरफ जा रहा है, मतलब वो दोनों एक दूसरे की जगह को फील कर रहा है. वार्म एयर ऊपर जा रहा है, वहाँ तो नीचे खाली हो रहा है, नीचे जब खाली हो रहा है तो कोल्ड एयर इस जगह को आके भर रहा है. तो इस तरह से एयर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर एंड कोल्डर टू हॉटर रीजन. दस द विंड करेंट आर जनरेट फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर. तो इस तरह से विंड करेंट का जनरेशन होता है पोल से इक्वेटर की तरफ. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, हीटिंग ऑफ द अर्थ इक्वेटर एंड पोल्स. नाउ सेकेंड रीजन इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. लैंड एंड वाटर जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर विंड क्लाइमेट्स वेदर एंड एडेप्टेशन में पढ़ा था, दैट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, है ना. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज में एक्चुअली क्या होता है कि हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, डे के टाइम में क्या होता है, लैंड गर्म हो जाता है, सी ठंडा होता है, तो सी से वार्म एयर किधर से फ्लो करेगा, लैंड से सी की ओर, एंड कूल एयर किधर से फ्लो करेगा, सी से लैंड की ओर. तो उस समय सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर लैंड ब्रिज का. तो सेकेंड जो है वो भी एक कन्वेक्शन करंट है जिसको हम विंड करंट कहते हैं. उसमें एक्चुअली क्या फॉर्मेशन होता है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, जो आप लोग बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर में पढ़े हो. इसको एक बार आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा. ओके इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मॉनसून विंड इन इंडिया, द मॉनसून विंड फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन ड्यूरिंग समर. दिस इज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड द वाटर ऑफ इंडियन ओशन. इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड. मीन समर में जो विंड करेंट जनरेट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना. और विंटर में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड. ठीक है, दे कैरी लिटिल वाटर एंड ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन और नो रेनफॉल.